नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के दो दिनों के दौरे पर ललितपुर पहुंचे। ललितपुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कचनौदा पेयजल योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने समयावधि में योजना को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही चौकाबाग में मुरारी बापू की श्रीराम कथा सुनने पहुंचे। वहीं दतिया पहुंचकर सीएम ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के साथ मंदिर में पीताम्बरा के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने स्थानीय वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित रहे। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की नियुक्ति पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहले ही इतना विपक्ष है कि उन्हें दूसरी विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली गाँव भनकपुर में लोगों की समस्याओं को सुनने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। जो कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा रही है, वो परंपरा आप भी जानते हैं कि इनको दूसरों के विपक्ष की तो जरूरत नहीं होती। इनमें तो खुद में इतना बड़ा विपक्ष खुद में ही खड़ा रहता है कि जो जनता के लिए इनको एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो उन्हें निभा के पार्टी में ही विपक्ष निभाते रहते हैं। और ये जनता समझ चुकी है कि डिवेलपमेंट कौन करेगा और सत्ता भोगने के वाले जो लोग थे अब जनता उनको सत्ता से बाहर करेगी। खबर गाजियाबाद के वेब सिटी इलाके से है, जहां डबल मर्डर हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले दो युवक की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने डबल मर्डर हत्याकांड आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए, जिसके बाद अब पुलिस मुठभेड़ में डायमंड फ्लाईओवर के पास के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस को एक पिस्टल, दो खोखा कारतूस व तीन जिंदा कारतूस मिले हैं। खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद में सरफिरे युवक ने दिन दहाड़े बीच बाजार में चाकू से एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद बाजार में हड़कंप मच गया। बता दें कि पूरा मामला आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुआ था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। एक महीने से गालियाँ दे दिया था तो मर हम दबा रहता है, कोई बात ना, बच्चा कोई बात नहीं। मगर आज सुबह इसने गालियाँ दी बहुत खतरनाक। पर लड़के को मेरा गुस्सा आ गया, मैंने अंदर को कर लिया। फिर छोटे लड़के के पीछे मेरे के मारूंगा, नु कह रहा था कि मैं मारूंगा, कतल करूंगा। तीन कतल करवाया, चौथा कतल जो भी करूंगा। फिर मेरा बच्चा मेट्रो लेके चला गया, रिक्शा लेके चला गया। वहीं बलिया पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दुबहर थाना के गांव में वेल्डिंग की आड़ में तीनों अभियुक्त अवैध असलाह बनाते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान तीनों अभियुक्तों के पास से 11 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस के साथ कई असलहे बरामद किए। इसका डिटेल जो प्रेस नोट है उसमें डिटेल इसका विवरण है। इनके यहाँ से फिलहाल जो हमको मौके पे बरामदगी हुई थी वो एक अदद DBBL गन हुई है, एक अदद SBBL गन हुई है, 11 जिंदा कारतूस 32 बोर के हुए हैं, 11 जिंदा कारतूस 12 बोर के हुए हैं, 2 जिंदा कारतूस 303 बोर के हैं, 2 जिंदा खोखा कारतूस 315 बोर के हैं। और इसके अलावा काफ़ी मात्रा में हमारा जो तमंचा बनाने का सामान होता है, असलाह बनाने का, उसमें एक अदद देसी तमंचा मिला है, 315 बोर का पुराना टूटा हुआ हुलिया जैसा कुछ शस्त्र मिला है और काफी पाइप और अन्य जो बट वगैरह मिले हैं उसकी डिटेल प्रेस नोट में आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। वहीं बच्चों की ऑनलाइन क्लास के चलते हो रही समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का काम किया है, जिसमें राजकीय महिला कॉलेज में चयनित छात्राओं को जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल ने छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण किया, जिसके बाद छात्राओं में खुशी की लहर देखने को मिली। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये योजना फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन की ये जो योजनाएं हैं, ये आज हमारे ज़िले के ऐसे बहुत सारे महाविद्यालय हैं जहाँ पे छात्राओं को वितरित किया जा रहा है।
और इससे उन्हें काफी लाभ पहुंच रहा है, आने वाले समय में उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। देवरिया में एसओजी और थाना गौरी बाजार पुलिस के हाथ सफलता लगी है। संयुक्त टीमों ने चोरी की घटना में वांछित 25,000 रुपए इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार किए गए शातिर के पास से 15 लाख रुपए कीमत के सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस की टीम ने बरामद जेवरात को कब्जे में लेते हुए इनामी अभियुक्त के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है और सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार सीवर से गिरकर होते हादसे के चलते नगर निगम के खिलाफ हुआ हत्या का मुकदमा दर्ज। 9 अप्रैल को हुई थी नगर निगम की लापरवाही के चलते फरीदाबाद में लगातार सीवर लाइन में गिरने के हादसे हो रहे हैं, लेकिन पुलिस इन मामलों में चुप बैठी है। अप्रैल महीने में शिव दुर्गा विहार निवासी बैंक कर्मी हरीश वर्मा की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने नगर निगम के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और कार्रवाई की मांग की। नहीं, किसी नाम से नहीं है। अभी ये तो एक जांच का विषय है कि वो किसका अधिकार क्षेत्र है, कौन वहाँ अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये हुड्डा का है, नगर निगम का है, सेक्टर भी किसके अधीन आता है, ये भी एक जांच का विषय है। अब इन्वेस्टिगेशन होने पे पता चलेगा। तो यही है, प्रशासन जिसने भी लापरवाही की है उसकी लापरवाही की जाएगी, अब तफ्तीश की जाएगी। ये तो एक जाँच का विषय है कि आगे क्या होता है, इसमें उसने ढक्कन लगाए नहीं लगाए, क्यों छोड़ा गया, कैसे क्या हुआ। बलरामपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर 2 बदमाशों ने हमला कर दिया। कोतवाली नगर के उपनिरीक्षक सुनील कुमार पाल और उपनिरीक्षक स्वतंत्र गुप्ता अपने हमराही सिपाही के साथ गैंगस्टर व हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले में वांछित 2 आरोपियों के घर दबिश देने पहुंचे थे, लेकिन पहले से मुस्तैद अपराधियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए, दोनों घायलों का इलाज जारी है। वहीं हमले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। इस दबिश के दौरान इन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें कांस्टेबल मनीष कुमार पटेल गंभीर रूप से जख्मी हुए, परंतु इस हमले के बावजूद पुलिस टीम के द्वारा संयम बरतते हुए और साहस का परिचय देते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गामा और छीटू के विरुद्ध 307 सरकारी कार्य में बाधा डालने का अभियोग पंजीकृत किया गया है। वह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अमित कुमार बलरामपुर से हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या कुछ पूरा मामला है जिसके चलते पुलिस दबिश देने गई थी? बता दूं, ये पूरा मामला बलरामपुर जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खकरेवारी गांव का है, जहां पुलिस टीम ये जो अपराधी थे, जो अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, दबिश देने के लिए गई थी, के पहले ये जो अभियुक्त हैं इनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज थे, जहां पुलिस गई थी टीम के साथ, जहां जो पहले से अपराधी जो बैठे हुए थे गाल लगाए हुए, वो धारदार हथियार से टीम के ऊपर हमला कर दिए, जिसमें 2 जो पुलिसकर्मी थे सिपाही वो घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल बलरामपुर में चल रहा है। वहीं पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया, बड़ी उन्हें मशक्कत करनी पड़ी। वहीं पुलिस का कहना यह भी है कि जो दोनों अपराधी थे वो अपने आप को कैमरे में बंद कर लिए थे, तो किसी तरह से उनको लाई है और पुलिस ने अपने तरफ से भी संगीन धाराओं में मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित। पुलिस की टीम जब दबिश देने गई तो बदमाशों ने उन पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि अब पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना नागफनी इलाके के रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने एक युवक को कारोबार के नाम पर 28 लाख रुपए उधार दिए थे और वो युवक पैसे लेकर कलियर फरार हो गया, जिसके बाद युवक साथियों के साथ कलियर पहुंचकर आरोपी के साथ मारपीट की और उसे मुरादाबाद ले आए और पुलिस को सौंप दिया।
जनपद फिरोजाबाद में खाकी वर्दी पर हत्या का आरोप लगा है और तफ्तीश करने गई पुलिस की टीम पर अब मुश्किलों में पड़ गई है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खाकी वर्दी पर वृद्धा की हत्या का आरोप, क्या वर्दीधारी बने हथियारे? फिरोजाबाद पुलिस पड़ी मुश्किल में, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप। कहने को तो पुलिस आम आदमी के लिए मसीहा होती है और शातिर अपराधियों से आम लोगों को बचाने का काम करती है, लेकिन कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि खाकी ही मानवता को शर्मसार करने वाली हरकतें करती है। कुछ ऐसे ही खाकी वर्दीधारी ने फिरोजाबाद में किया है। दरअसल फिरोजाबाद के थाना पचखोरा क्षेत्र के मेजगढ़े के आरोप में जेल में जमानत पर छूट कर आए लोगों के घर पर तफ्तीश करने गई पुलिस ने मारपीट की। पुलिस का ये रवैया वहां पर मौजूद लोगों के समझ के बाहर था। वहीं परिजनों का आरोप है कि शनिवार रात करीब 12 बजे थाना पुलिस ने घर पर दबिश दी थी। जेल से छूटकर आए लोगों के न मिलने पर पुलिस ने परिजनों से सख्ती बरती और बुजुर्ग महिला को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए और इसके बाद बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धक्का मुक्की के साथ बुजुर्ग महिला के साथ खूब मारपीट की, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन अब चीख चीख कर पचोखरा पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वहीं आरोपी पुलिस ने महिला की मौत की भनक लगते ही शव को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए कहा कि जांच के आदेश दे दिए हैं। लगभग रात के 12:45 पे 112 पे सूचना आई कि जहाँ पर तस्दीक किया गया वहाँ पर एक महिला की जो है मृत्यु हुई है और उसमें आरोप लगाया कि पुलिस वालों की वजह से वो मृत्यु हुई है। तो उसको देखते हुए इमीडिएटली जो है उसमें शव को मोर्चरी भेजा गया और यहाँ पर पुलिस जो डॉक्टर हैं उनके तीन डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है व इसमें जो परिवारजन है उनसे बात करी गई है, उनसे तहरीर ली जा रही है व इसमें जो अग्रिम विधि कार्रवाई है उसको किया जाएगा। बहरहाल परिजनों ने पुलिस पर वृद्धा की हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना यह है कि दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।